युद्ध के मैदान में रूस को दिए ईरान के ड्रोन फ्लॉप हो रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि हाल ही में ईरान ने रूस को सैकड़ों ड्रोन दिए थे, क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि वो यूक्रेन के खिलाफ जारी स्पेशल ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में ईरान में बने ड्रोन का इस्तेमाल करें। और कहा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए ईरान ने अपने सबसे अच्छे ड्रोन शहीद 129 समेत कुछ दूसरे ड्रोन भी भेजे थे। खबर है कि इन ड्रोन की सप्लाई अगस्त में ही रूस को की गई थी, लेकिन अब खबरें हैं कि जिन ड्रोन के बूते ईरान दम भरता है वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में पुतिन को जंग के मैदान में अपनी सोच से उलट नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि रूस को ईरान के ड्रोन में आ रही तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ईरान से रूस ने ड्रोन इसलिए लिए थे ताकि उसकी हवा से जमीन पर हमला करने की ताकत में इजाफा हो जाए और वो जेलेंस्की की फौज को पटकनी देने में और ज्यादा मजबूत हो जाए। लेकिन ईरान से मिले शहीद 129 ड्रोन का दम निकलने से रूस की चिंता बढ़ गई। ऐसे में रूस के सैनिक ईरान में इन ड्रोन को चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ताकि जंग में आगे चलकर ईरान के इस सबसे अच्छे ड्रोन के इस्तेमाल में किसी तरह की दिक्कत न उठानी पड़े। ईरान ने जो सैकड़ों ड्रोन रूस को दिए उनमें शहीद 129 को इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि इसका इस्तेमाल दुश्मन की जासूसी के साथ साथ युद्ध लड़ने के लिए भी किया जा सकता है। ईरान के शहीद 129 ड्रोन 24 घंटे तक हवा में रह सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह कई मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम है। यहाँ तक कि ईरान के ये ड्रोन हर मौसम में दिन हो या रात दुश्मन के इलाके की साफ तस्वीर दिखा सकते हैं। ईरान के शहीद 129 ड्रोन की इन्हीं खूबियों की वजह से रूस ने इसे अपने बेड़े में शामिल किया था। लेकिन खबरें हैं कि ये जंग के मैदान में कुछ खास जलवा नहीं दिखा पा रहे हैं, बल्कि उन्होंने तकनीकी खराबी के कारण रूसी सेना की कमर तोड़कर रख दी है। जबकि ईरान के ड्रोन को जंग में उतारने से पहले जुलाई में कुछ रूसी अधिकारियों ने ईरान का दौरा किया था। उस समय कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थी जिनसे अंदाजा लगाया गया कि रूसी अधिकारी ईरान के इन्हीं ड्रोन का जायजा लेने के लिए 8 जून और फिर 15 जुलाई को वहां गए थे। और जब उन्हें ये ड्रोन यूक्रेन जंग में सही विकल्प महसूस हुए तो उन्होंने इसे रूसी सेना के बेड़े में शामिल कर लिया, ताकि इसके जरिए रूसी फौज युद्ध में हवा से सतह पर कभी भी हमला कर सके और अपने टारगेट को भेदकर उस पर निशाना साध सके। यही कारण है कि शहीद 129 को ईरान के हथियारों के जखीरे का सबसे कामयाब ड्रोन माना जाता है। दावा है कि इसका इस्तेमाल सीरिया और इराक में भी किया गया था और इसे इन दोनों देशों में लड़ाई का अनुभव हासिल है।